हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में जेईई मेन 2022 का लिमिट से एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो बीटा इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो अल्फा एक्स माइनस ई पावर 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर डिवाइडेड बाय अल्फा एक्स इंटू ई टू द पावर 3x माइनस 1 दिया है फॉर सम अल्फा इन आर। अल्फा कोई फिक्स नंबर है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा निकालना है। सॉल्यूशन बीटा इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो अल्फा एक्स माइनस ई टू द पावर 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा एक्स ई पावर 3x माइनस 1। सो बीटा ये दिया है तो लिमिट नीचे में डालने से जीरो हो रहा है, x है मल्टीप्लाई करने से जीरो होगा, यहाँ पे जीरो और यहाँ पे 1 माइनस 1 जीरो, तो जीरो बाय जीरो फॉर्म इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ रहा है। तो एल हॉस्पिटल का रूल यूज कर सकते हैं। तो एल हॉस्पिटल के रूल के मुताबिक हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो फिर डिफरेंशिएट करने से क्या होगा, नीचे में डिफरेंशिएट करने से एक्स को करने से अल्फा ई पावर 3x माइनस 1 और इसको करने से अल्फा एक्स 3 ई पावर 3x, ऊपर में अल्फा और ये होने से 3 ई पावर 3x। अब लिमिट डालने से नीचे में ये 1 माइनस 1 जीरो, ये जीरो, नीचे में जीरो हो रहा है लेकिन ऊपर में अल्फा माइनस 3 हो रहा है। सो ये फाइनाइट वैल्यू मिलेगा जब ऊपर का भी जीरो होगा, या जीरो बाय जीरो फॉर्म होना होगा। जीरो बाय जीरो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आने से इसका फाइनाइट वैल्यू मिल सकता है। सो फाइनाइट वैल्यू के लिए हमको वो होना ज़रूरी है, लिमिट एग्जिस्ट इफ अल्फा माइनस 3 इक्वल टू जीरो। तो ये अल्फा जीरो डालने से न्यूमरेटर में भी जीरो होना है, उसका मतलब अल्फा इक्वल टू 3। अल्फा इक्वल टू 3 होने से लिमिट एग्जिस्ट होगा। फिर इस बार फिर से एल हॉस्पिटल का रूल यूज कर सकते हैं। जीरो बाय जीरो फॉर्म हो गया तो जीरो बाय जीरो फॉर्म होगा, ये होने से अल्फा इक्वल टू 3 होने से जीरो बाय जीरो फॉर्म होगा। तो फिर डिफरेंशिएट करने से क्या मिलेगा, जीरो हो गया माइनस 9 ई पावर 3x और नीचे में अल्फा 3 अल्फा ई पावर 3x अल्फा 3 ई पावर 3x प्लस यहाँ पे अल्फा एक्स 9 थ्री थ्री जा 9 ई पावर 3x। अब लिमिट पुट करने से क्या होगा, ऊपर में आ रहा है 9 माइनस 9, नीचे में ये जीरो हो गया 3 अल्फा, ये भी हो गया 3 अल्फा, ये एक्स है तो जीरो हो गया। दैट मीन्स माइनस 9 6 अल्फा, मतलब 6 इंटू अल्फा का वैल्यू हमारा 3 है। देयरफॉर बीटा इक्वल टू माइनस हाफ, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, अल्फा का वैल्यू 3 है, बीटा का वैल्यू माइनस हाफ है, अल्फा प्लस बीटा इज 5/2। देखो आंसर इज 5/2, ऑप्शन इज सी। तो ये प्रॉब्लम का आंसर सी है। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।